फिर नसीरुद्दीन से किसी ने सवाल किया कि आप मौला अली को मुश्किल कुशा कहते हैं, उन्होंने करबला में अपने बच्चों की तो मुश्किल को कुशाई नहीं की। तो आपने फरमाया कि पहली बात तो ये है, जो मुश्किल कुशा होते हैं उन्हें मुश्किल पेश नहीं आती, और दूसरी बात यह, अगर वो मुश्किल पेश आ भी जाए तो उसको मुश्किल समझते नहीं हैं। फिर आपने उसकी दलील देते हुए फरमाया कि जैसे ये नाखन है, ये पूरे जिस्म के मुश्किल कुशा है, सर से पांव तक जहाँ भी खारिश हो ये उसको दूर कर देते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है नाखन को खारिश हुई है? फरमाया ये दलील है इसकी, जो मुश्किल कुशा होते हैं उनको मुश्किल पेश नहीं आती, और आ भी जाए तो उसको मुश्किल समझते नहीं। तो करबला में जो था वो इम्तहान था, तो बच्चों को जो इम्तहान में वालदैन जिनको यकीन होता है ना कि मेरे हमारे बच्चे लायक हैं, इम्तहान पास कर लेंगे, वो इम्तहान गाह में उनकी मदद के लिए नहीं जाते, उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे, क्योंकि उनकी तालीम और तरबियत हुज़ूर नबी करीम ने, खातून जन्नत ने और मौला अली ने फरमाई थी, और उन्हें पूरा यकीन था कि किसी भी इम्तहान में आजमाइश में पूरा उतरेंगे। दूसरा है तकदीर का मामला। हज़रत अली करम अल्लाह ताला अब्दुल करीम का कातिल मस्जिद कूफा में पहुंच गया, वो उनकी मजलिस में बैठता था, तो आपने एक दिन फरमाया कि मेरा कातिल अपने इरादे से पहुंच गया है, पता नहीं वो देर क्यों कर रहा है। तो साथियों ने अर्ज की कि आप अगर हमें बताएं या अमीरुल मोमिनीन तो हम उसे मार दें। आपने फरमाया ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कानून शरीयत ये है, अल्लाह का कानून यह है कि पहले बंदा जुर्म करता है फिर उसको सजा मिलती है। अभी उसने जुर्म किया ही नहीं तो उसको सजा कैसे दी जाए? तो फरमाया बच्चे का नहीं वो, लेकिन पहले वो अपना काम करेगा। फिर उसने मौला अली को दौरान नमाज खंजर से वार किए, जिससे आपकी शहादत हुई। फिर उसको भी लोगों ने पकड़ के मार दिया था। तो जो तकदीर में मुकद्दर में अल्लाह ने रोज़े अज़ल लिख दिया है वो तो होना है। मौला अली की शहादत है जैसे लिखी हुई थी वैसी हुई है। तकलीफ़ के वाले से जो तकलीफ आती है इंसान के ऊपर, बस वो अल्लाह की तरफ से जो होती है वो आजमाइश होती है, और वो दो वजह से होती है। अगर तो कोई वली सिफ्त इंसान हो आला दर्जे का तो उसको दर्जे बुलंद होते हैं, जो हमारी तरह का गुनाहगार हो उसके गुनाहों का कफारा होती है तकलीफ। ज़िंदगी में उसके गुनाह कफारा हो जाता है, आइंदा उसकी बचत हो जाती है। हर दो सूरतों में आले ईमान के लिए आजमाइश फ़ायदेमंद है, नुकसान देह नहीं। सैयद भाई, जो शहादत जो हुई ये इनको तैयार किया गया था, क्योंकि इनके टीचर, सुनने में आया कि इनके टीचर जो थे वो बहुत आला थे, उनके बारे ज़रा वजात कर दें। अहले बैत के हज़रत इमाम अली मकाम के, इमाम अली मकाम के टीचरों में पहली हस्ती है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, दूसरी है मौला अली की, तीसरी है खातून जन्नत की। हुज़ूर मदीनतुल इल्म है और मौला अली बाबे मदीनतुल इल्म है, और खातून जन्नत वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और मौला अली की सौजा है। तो इतनी बड़ी हस्तियाँ जिसकी तालीम और तरबियत करें उसकी ना तालीम में कमी रह जाती है ना तरबियत में, तो ये तालीम तरबियत उनकी थी सारी, बचपन से लेके करबला तक सारी तालीम तरबियत इन तीन बड़ी हस्तियों की थी। तो फिर इसके इवज़ उनको डिग्री जो मिली,
ज़ाहिर है जितने, ये तो कानून दुनिया का भी है कि जितनी बड़ी डिग्री होती है इम्तहान भी उतना बड़ा ही होता है। ये नहीं होता कि इम्तहान मैट्रिक का हो और डिग्री हायर सेकेंडरी की मिल जाए। जितने बड़े दर्जे का, अब उनकी डिग्री क्या है, वो जन्नत के सरदार हैं। इतना बड़ी डिग्री, इतना बड़ा अल्लाह की तरफ से इनाम मिला है उनको, इतना ही बड़ा इम्तहान हुआ है उनका और खूब इम्तहान दिया है उन्होंने, डट के दिया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उस इम्तहान में शामिल ना हो। बाकी अल्लाह का फरमान है कि मैं ईमान वालों को ज़रूर आजमाऊँगा, वो आजमाता है। जितना जिस बंदे का कद होता है, पावर होती है, उस लिहाज से अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को। तो ये आजमाइश शर्त है नाले ईमान के लिए। इसमें आखिर में क्या कहना चाहेंगे? बस जो अल्लाह की रज़ाओं पे राज़ी होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनसे राज़ी हो जाता है। इससे बड़ी इंसान की ख्वाहिश कोई नहीं कि अल्लाह राज़ी हो जाए।